नमस्कार दोस्तों, दूसरों पर आरोप लगाना और उन्हें भला बुरा कहना, हमारे समाज के लोगों को इसमें बहुत मजा आता है और ये लोग बिना अपने अंदर झांके न्याय करने लगते हैं। जबकि हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य यही बनता है कि वह दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के अंदर झांक ले। भगवान बुद्ध के उपदेशों में बड़े सरल शब्दों में जीवन के गहरे अर्थ छिपे रहते हैं। उसी से संबंधित इस घटना में भगवान बुद्ध हमें पहले अपने अंदर झांकने का उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध भगवान बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम यह पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बांधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यही थी दोस्तों कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी नहीं आगे बढ़ पाते हैं, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। वहां बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गालियां भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज के नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही व्यक्ति होगा जिसने कभी भी व्यभिचार नहीं किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है दोस्तों कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का व्रत ले। तो दोस्तों, इस कहानी से भगवान बुद्ध हमें यही बताना चाहते हैं कि पहले दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वह व्यक्ति अपने अंदर झांक ले कि दूसरों पर उंगली उठाने का अधिकार उसे है भी या नहीं, क्योंकि वह खुद एक दोषी है तो उसे कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरों पर उंगली उठाए और उसे प्रताड़ित करे या उसके न्याय का न्यायाधीश बने। पहले वह अपने आप से न्याय कर ले कि मैं सही हूँ या गलत, उसके बाद ही वह दूसरों पर उंगली उठाने का अधिकारी हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।